सो कॉशियस रहने की जरूरत है, प्रकाश जी का मंत्र आज के बाजार में आपके लिए। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक हल्दिया, एमडी और सीईओ पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज। मिस्टर हल्दिया, स्वागत है आपका। आपका ये क्वार्टर वन उतना अच्छा नहीं रहा जितना पिछला क्वार्टर था। एसेट क्वालिटी में हम दबाव देख रहे हैं, क्या वजह रही है सर? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्वार्टर परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना ही बेहतर था जितना पिछला है, क्योंकि हमारी जो सैंक्शन है वो 57% ग्रो की है, डिसबर्समेंट 69% ग्रो की है, और हमारी जो लोन बुक है वो 38% ग्रो किया है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रोविजनिंग के बावजूद, एनपीए के बावजूद करीब 10% उसके अंदर ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि करीब 67 करोड़ है। अगर एनपीए नहीं किए होते तो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम लेवल और कहीं ज़्यादा हुआ होता। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि हमने प्रोविजनिंग तो की, एनपीए तो डिक्लेयर किए हैं, लेकिन ये अकाउंट्स वो हैं जो कि हमने पिछले क्वार्टर्स में स्ट्रेस एसेट्स के रूप में आइडेंटिफाई किए हुए थे, और जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वी फॉलो प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस, और हमने बिना आरबीआई के नॉर्म्स के रिक्वायरमेंट के हमने इन लोन अकाउंट्स को पहले ही प्रोवाइड फॉर कर चुके थे, इसलिए इस साल के अकाउंट्स, इस क्वार्टर के अकाउंट्स पे इसका ज़्यादा बर्डन नहीं आया। इस क्वार्टर में रिन्यूएबल्स की जो हमारी ग्रोथ है वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री भी बनी हुई है, हमारी जितनी भी सेंक्शन इस क्वार्टर में हुई है उसका करीब 50-60% रिन्यूअल के अंदर हैं। तो मैं और जहाँ तक स्ट्रेस एसेट्स का सवाल है, जैसा मैंने पहले बताया ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थी। दूसरी, हम इनके जो एरिंग प्रमोटर्स और प्रोजेक्ट्स हैं इनके साथ हम कॉन्स्टेंटली एंगेज किए हुए हैं, इनके कुछ प्रोजेक्ट्स में तो नए इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट शो किया हुआ है, उनसे हम बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में जिसका कि लोन आउटस्टैंडिंग 120 करोड़ रुपए है, उसमें तो जून क्वार्टर के बाद में हमने पार्टली हमारे ओवर ड्यूज रिकवर भी कर, जब सरकार का जो एक टारगेट है 175 गीगावाट का, मुझे लगता है कि सरकार वो अचीव कर पाएगी, और जब वो अचीव होंगे तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एक नया मॉडल है, या प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को जो एंकरेज किया जा रहा है, उसके कारण से भी जो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। रोड्स के अंदर जो पहले जो रोड्स ऑलरेडी चल रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पे हैं या एन्यूटी मॉडल पे हैं, उनमें जो लास्ट माइल फंडिंग की है उसमें हमें बहुत अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो अनडिसबर्स सैंक्शन है, जो अमाउंट हमने सैंक्शन कर दिया है जिसका डिसबर्समेंट होना बाकी है, वो आज की तारीख में 5000 करोड़ रुपये है। इसके अलावा जो हमने पहली स्टेज पे जिन प्रोजेक्ट्स को हमने फाइनेंस करने के काबिल समझा है वो करीब 3000 करोड़ रुपये के हैं, इसलिए हमारी जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन स्ट्रांग बनी हुई है, और मुझे 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 कोई डाउट नहीं है कि हम जो ग्रोथ हम अचीव करते आ रहे हैं वो हम आने वाले साल में भी अचीव करते रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशोक हल्दिया, पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ हमारे साथ थे। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी का इसका जिक्र करते हुए, और आगे ग्रोथ की ढेरों अपॉर्चुनिटी पीटीसी इंडिया फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर। आज मजबूती है स्टॉक्स में, हम इसमें अच्छी खासी 2.5% से ज्यादा की मजबूती आज देख रहे हैं। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का, अगले 5 मिनट तक रहिए तैयार, क्योंकि प्रकाश काबा आपको देने वाले हैं फटाफट सलाह आपके स्टॉक्स पर।